गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. चाहे कोई सुबह देख रहा है, शाम को देख रहा है, रात में देख रहा है, बिकॉज यू शुड बी एज फ्रेश एज इन मॉर्निंग. जैसे आप सबको पता है, इंस्टीट्यूट के एक अनाउंसमेंट आई थी जिसमें कुछ टॉपिक एक्सक्लूड कर दिए गए थे. उस अनाउंसमेंट में थोड़े इशू थे, वो क्लियर नहीं था. उसके बाद जब सेकेंड अनाउंसमेंट आई जिसके अंदर स्टडी गाइडलाइन में स्पेसिफाई हुआ कि क्या क्या चीज़ इस सेटअप में हमारे आ रही है या नहीं आ रही, उसमें और क्लैरिटी आई है कि कुछ जैसे गाइडेंस नोट, वो हमारे कोर्स का पार्ट है. मैं उसी के डिस्कशन के रिगार्डिंग ये छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ. दो महीने पहले भी अपलोड किया था ये वीडियो, बट आई डोंट नो समहाउ स्टाफ के एरर के कारण वो वीडियो डिलीट हो गया, तो इसलिए मुझे फिर से दोबारा बनाना पड़ा. तो ज़रा देखते हैं, हम देखना. पहली अनाउंसमेंट ये आई थी कि ये इतने स्टैंडर्ड हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, स्पेशल ऑडिट असाइनमेंट हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है. ठीक है, ये गाइडेंस नोट हमारे कोर्स का पार्ट नहीं. मजे की बात है, जब मैं अब सेकंड टाइम देख रहा था, जब फर्स्ट टाइम अनाउंसमेंट आई थी तब वहाँ सिर्फ लिखा हुआ था कोड ऑफ एथिक्स. इसमें भी काफ़ी कन्फ्यूजन रहा था, क्या कोड ऑफ एथिक्स हमारे कोर्स का पार्ट नहीं रहा. तभी मैंने बोला था वो कभी नहीं हट सकता, वो हमारे पार्ट का कोर्स रहेगा. अब उसी अनाउंसमेंट को इंस्टीट्यूट ने अपनी वेबसाइट पर अपडेट कर दिया, बोला चैप्टर 20 हमारे कोर्स का पार्ट है. ठीक है, तो दूसरी जो ये आ रखी है अनाउंसमेंट इंस्टीट्यूट की कि क्या क्या एप्लीकेबल है हमारे कोर्स में, इसमें और क्लैरिटी आती है. यहाँ बोला हुआ है लिस्ट ऑफ एप्लीकेबल स्टेटमेंट एंड स्टैंडर्ड फॉर नवंबर 2019 एग्जाम्स. तो अगर आप इसके अंदर देखो, स्टेटमेंट ऑफ रिपोर्टिंग विथ रेस्पेक्ट टू सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 इज पार्ट ऑफ आवर कोर्स. फ्रेमवर्क फॉर एश्योरेंस इंगेजमेंट इज पार्ट ऑफ आवर कोर्स. मतलब जो हम शुरू में जब क्लास की स्टार्टिंग करते हैं तो हम डिस्कशन करते हैं ना कि स्ट्रक्चर क्या होगा इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड का. इसमें स्टैंडर्ड आएंगे, SRE आएंगे, SRS आएंगे, वो सारा कुछ अभी भी कोर्स का पार्ट है. फर्दर अभी मैं आपको अपने मॉड्यूल से भी कनेक्ट करा दूंगा, ये गाइडेंस नोट भी हमारे कोर्स का पार्ट है. यहाँ क्लियर कट स्पेसिफाई करा जा रहा है. तो इसमें गाइडेंस नोट अंडर सेक्शन 44AB हमारे कोर्स का पार्ट है. इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल हमारे कोर्स का पार्ट है. और ये दो तो इंपॉर्टेंट भी है, थर्ड एंड फोर्थ गाइडेंस नोट ऑन कारो. कारो में पहले तो क्वेश्चन ही पूछा जाते थे, पर आजकल लास्ट 2-3 अटेम्प्ट से अगर आप देखोगे तो यहां से क्वेश्चन गाइडेंस नोट से उठने लग गए हैं. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हमारे मॉड्यूल की, क्या हटा है और क्या नहीं हटा है, बोथ फॉर ओल्ड एंड न्यू कोर्सेस. मैंने वो सारे चीज को एक सिंपल सा यहाँ कंपाइल कर दिया है. यहाँ पे ये मैं टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा ये सारी डिटेल, और वेबसाइट पे भी अपलोड हो जाएंगी. ये वेबसाइट में भी एक दो दिन में अपलोड हो जाएंगी, टेलीग्राम में आज रात को ही अभी अपलोड हो जाएंगी. अब अगर आप देखो, प्रोफेशनल एथिक्स हमारा फर्स्ट मॉड्यूल होता है, ये कोर्स का पार्ट है. इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड के अंदर 720 तक हैं, तो उसके बाद वाले सारे क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हो. अभी जो नया मॉड्यूल मैंने इस अटेम्प्ट के लिए रिलीज किया था, उसके अंदर मैंने इवन हिंट्स टू ऑल द आंसर्स ऑफ पी एंड इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड भी डाल दिया था फर्स्ट पार्ट में. तो ऐसे 720 के बाद हमारे कोर्स के पार्ट नहीं है. स्पेशल ऑडिट असाइनमेंट, ये मैं बात कर रहा हूँ सेकेंड मॉड्यूल जो उसकी, ये नाइदर ओल्ड कोर्स के लिए नॉर न्यू कोर्स के लिए हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है. ये स्टैंडर्ड हमारे कोर्स का पार्ट नहीं, ये यहाँ पे हमने कनेक्ट कर ही लिया है. ये हमारे फर्स्ट जो इवन समरी मॉड्यूल के भी फर्स्ट पेज में मैं ये सब चीज़ें डालता हूँ, हमारे फर्स्ट मॉड्यूल में ये चीज़ डालता हूँ. ये हमारे कोर्स के पार्ट नहीं है. ये वैसे भी हम क्लास में ज़्यादा एम्फेसाइज इतना नहीं करते थे, क्योंकि मैं बोलता था ये एग्जाम में कभी लास्ट 10-12 साल से आप उठा के देख लो कभी एग्जाम में आए ही नहीं है. ये सब हमारे कोर्स के पार्ट हैं. अब ये एक स्पेशली ये न्यू कोर्स के लिए ये उस अनाउंसमेंट में आ रहा है, चैप्टर 7 ऑडिट रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट फॉर स्पेशल पर्पस इंगेजमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ कोर्स. तो अगर आप देखो, जो चैप्टर 7 मेरे मॉड्यूल में फॉर न्यू कोर्स है, फॉर न्यू कोर्स, उसमें से बाकी पोर्शन आप डिलीट कर सकते हो. आप सिर्फ इतना पढ़ोगे जो मैंने यहाँ दिया हुआ, ये मैं अभी अपलोड भी कर रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे और वेबसाइट पे भी. बस ये 2-3 पेज है, याद रखना ये रेलेवेंट है. एक बार एग्जाम में आया हुआ भी है ओल्ड कोर्स में क्वेश्चन इस पे, तब
स्टूडेंट वेयर स्क्रैचिंग देयर हेड्स, वहाँ आया था कि ऑडिट रिपोर्ट इशूड अंडर बोनस एक्ट और रेगुलेशन 54 ऑफ सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन, 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में हमारे, ठीक है। तो आपको ये करना, इतना ही करना है इसके अंदर। फॉर ओल्ड कोर्स ऐसा कुछ भी ये डिलीशन नहीं आएगा जो हमारे मॉड्यूल में, फॉर ओल्ड कोर्स क्या डिलीट हुआ, स्टैंडर्ड्स फर्स्ट मॉड्यूल से आप हटा दोगे एंड स्पेशल ऑडिट असाइनमेंट आप हटा दोगे। फॉर न्यू कोर्स स्टैंडर्ड फर्स्ट मॉड्यूल से हटा दोगे और सेकेंड मॉड्यूल से स्पेशल ऑडिट असाइनमेंट और 7 चैप्टर बस इतना सा रहेगा, बाकी सब हमारे कोर्स का पार्ट है। एक और चीज आपको बता दूं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस चैप्टर में भी चेंजेस आए हैं। अभी तक इंस्टीट्यूट ने, आई डोंट नो व्हाई, दे हैव नॉट रिलीज्ड द आरटीपी ऑन द सेम, ठीक है। और वो जब आ जाएगा तब मैं उसमें भी और एक अपलोड कर दूंगा वीडियोस वाले उसके रिगार्डिंग। और हम नेक्स्ट सितंबर से, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के बाद से मैं वीकली बेसिस पे स्टैंडर्ड्स के और प्रोफेशनल एथिक्स का मेरा जो प्लान है रिविजनरी वीडियोस डालूंगा, इंक्लूडिंग उसके अंदर पर्टेनिंग टू, जैसे स्टैंडर्ड 200 सीरीज हमने उठाई उसमें इंस्टीट्यूट ने क्या क्या एमसीक्यू रिलीज करे हैं, उन सब पे भी डिस्कशन रहेगा। वीकली बेसिस पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। और अगर टाइम परमिट करा तो वो जल्दी भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे। तो आई गेस आई क्लियर ऑल वट एवर क्वेश्चंस विच आई वॉज रिसीविंग फ्रॉम द स्टूडेंट। अगर कुछ क्वेरी हो तो आप लिख सकते हैं एंड यू कैन इवन शेयर दिस वीडियो इफ़ यू वॉन्ट विद दिस विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। तो खूब पढ़ें, सिर्फ 2 महीने पढ़ें, इस बार टाइम बहुत शॉर्ट मिला, आई नो दैट, कीप अप। और एक वीडियो और डाली हुई है, शायद आप लोगों ने देखी होगी, प्रिपेरेशन स्ट्रेटेजी टू गेट 60+ मार्क्स। थैंक यू।